जब तक यदि ये ढांचा रहेगा तो ये जीवन नहीं रहेगा। 8 दिसंबर को पहला घायल कार सेवक हूँ मैं, आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और ये ऑन रिकॉर्ड पे भी है वहां के हाई कोर्ट में, जब उन्होंने अपील करी कि मैं ही वो पहला व्यक्ति हूँ भारतवर्ष का जिसने 8 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया था कि मैंने वो विवादित ढांचा था। मेरा चूंकि संकल्प था इसलिए मैंने उसको स्वीकार भी किया। 22 जनवरी सन 2024 अयोध्या सहित देश और दुनिया के इतिहास में ये बड़ा दिन है। इस दिन रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजित हो जाएंगे और इसी के साथ उन बलिदानियों को एक सम्मान प्राप्त होगा जिसके लिए उन्होंने अयोध्या पहुंचकर अपने आप को रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए आहूत कर दिया। 1992 में जब बाबरी ढांचा गिरा उस समय कार सेवा में जिन कार सेवकों ने सहभागिता की उनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं और इस श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही कार सेवक की जिसने सन 1992 में बाबरी विध्वंस को सामने से होता देखा, उसमें सहभागिता की और उसमें रामलला के नाम अपना योगदान अर्पित किया। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश से कार सेवा में पहुंचने वाले देवेंद्र रावत जी से, जिन्होंने अपने कार सेवा के दौरान के अनुभव हमें सुनाए और इस दौरान उन्होंने बताया कि वे सिर्फ एकमात्र ऐसे कार सेवक थे जिन्होंने ये स्वीकार किया कि बाबरी ढांचा उन्होंने गिराया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं सीधे देवेंद्र जी के साथ, जो हमें बाबरी विध्वंस की दास्तां सुना रहे हैं, जो अपने अनुभव हमें बता रहे हैं। मुझे ये लगता है कि सारे राम भक्तों का और इस अयोध्या आंदोलन में जो 2 लाख से अधिक लोगों ने अपनी आहुतियां दी थी और जो लाखों लाख कार सेवक कार सेवा में गए थे, साथ ही साथ जो 6 दिसंबर 1992 को 26 लोग ढांचे पे चढ़कर गिर गए थे ऐसे घायल कार सेवक, जो आहुतियां उनने दी थी उसकी पुण्य आहुति का सुफल जो है ये 22 तारीख को पूरे भारतवर्ष और विश्व के सनातन धर्म के मानने वालों को मिल रहा है। मैं अभिभूत हूँ इस क्षण को कल्पना करके भी और प्रसन्नचित हूँ इस पल को देख करके, जहाँ पर कि हिंदू गौरवान्वित हो रहा है और हिंदुओं पर हुए सांस्कृतिक आक्रमण का जवाब हिंदुओं ने अपने सूर वीरता के साथ भी दिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार एक सत्य और सच्चाई के साथ में भी हुआ। देखिए अयोध्या में 30 अक्टूबर 1990 को और 2 नवंबर के दिन जो हुतात्मा कार सेवक हुए थे मुलायम सिंह के बर्बर और हिंदू विरोधी, जो वहाँ पर उनने जो फोर्स लगाया था, पुलिस बल लगाया था, ये उस दिन हमने संकल्प किया था जब 30 अक्टूबर को कार सेवकपुरम में शहीद स्मारक के सामने एक पूरा जो डोम था वहाँ पर राम खिचड़ी खा करके हम लोग बाहर निकले और जैसा हम लोग जय श्री राम के नारे लगाते थे वो कार सेवक सब लगा रहे थे, और इतने में सामने से पुलिस आई और उन्हें सीधे ठाए 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 करके जो है कार सेवकों के सीने पर गोली मारना शुरू कर दी। जितने लोग सामने थे वो मर गए, उसमें कोठारी बंधु भी थे और बहुत सारे अन्य कार सेवक भी थे। हमको एक गुप्त जत्थे में, हम बाबा जी के साथ में गए थे, तो वो खींच करके जो है उस जो हमारा जहाँ पर राम खिचड़ी बट रही थी वहाँ ले गए, और उसके बाद स्वामी परमहंस जी के मनीराम छावनी में हमको लेके गए हैं। और जब हमको ये पता चला कि 2 नवंबर को इससे ज़्यादा बर्बर तरीके से कार सेवकों पर गोलियाँ चलाई गई, कार सेवकों को सरयू नदी में बोरों में बंद करके बहा दिया गया,
तो हम उस समय ये संकल्प करके आए थे कि भविष्य में कभी भी यदि कार सेवा होगी तो या तो ये बाबरी नाम का ढांचा रहेगा या हम जीवित रहेंगे, दोनों में से एक चीज नहीं रहेगी। ये संकल्प हम निश्चित करके जो है जब 6 दिसंबर 1992 की कार सेवा हुई तब हम गए। और वहां पर जब हम गए तो 6 दिसंबर को जब सर्वोच्च न्यायालय ने तारीख आगे बढ़ा दी कार सेवा के निर्णय के संदर्भ में, तो कार सेवकों ने यह संकल्प किया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और हम लोग लगभग 11:30 बजे जो सुरक्षा जत्था था उसको तोड़ते हुए दीवाल पर चढ़े। दीवाल के बाद उस विवादित बाबरी ढांचे के पास में जो एक पेड़ था उस पर हम चढ़े और पहले गुंबद पर चढ़े। पहले गुंबद को तोड़ा, दूसरे गुंबद पर चढ़े, दूसरे गुंबद को तोड़ा, और तीसरे गुंबद पर जब हम चढ़ करके तोड़ रहे थे तो तोड़ते तोड़ते उस गुंबद के साथ में ही हम गिर गए, वहाँ बेहोश हो गए। जब अस्पताल में देखा तो ये पूरा सर फटा हुआ था, मानसिक स्थिति में भी इतना खून रक्त बह गया था, लेकिन फैजाबाद अस्पताल में किसी तरीके से प्राण बचे। और ये चोट 6 दिसंबर 1992 के दिन बाबरी नाम का जो सांस्कृतिक आक्रमण के रूप में ढांचा ढाया था हमने, उसके तोड़ते तोड़ते जो हम गिरे हैं उसके बाद मेरे ये सिर पर लगी है। और ऐसे लगभग जो है 26 घायल कार सेवक हैं जो कहीं ना कहीं आहत हुए थे, जिनको चोटें आई थी। देखिए, मेरे जीवन का सबसे पहला अनुभव यह है कि उस समय 8 से 10% मुसलमान थे। साहबानों प्रकरण में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब ये निर्णय दिया कि एक मुस्लिम महिला को जिसको तलाक दे दिया गया उसको भरण पोषण भत्ता देना चाहिए, तत्कालीन केंद्र की कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों के वोट के खातिर, तुष्टीकरण के खातिर, उनको खुश करने के खातिर जिस प्रकार से वो संसद में उस निर्णय को पलट दिया, वो हमारे लिए एक उस बिंदु पर आकर के हमारे जैसे जितने हिंदू थे उनको ये सोचना पड़ा कि 8-10% मुसलमानों के वोट के लिए जहां केंद्र सरकार झुक करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलट रही है, तो यहां पर 80 से लेकर 88% हिंदुओं के लिए ये शर्म का विषय था कि बाबर नाम के जिस शासक ने सांस्कृतिक आक्रमण करके भगवान राम के मंदिर को लगभग 478 साल पहले ढहाया था और उस पर मस्जिद का एक गुंबद बना दिया था और उसको बाबरी मस्जिद कहते थे, जो कि कदापि नहीं थी, वो विवादित बाबरी ढांचा था। उस ढांचे के अंदर भगवान राम थे, वहाँ पर पूजा पाठ भी नहीं करने देते थे। जब हम लोग वहाँ दर्शन करने जाते थे तो वहाँ पर PSC के लोग बैठे रहते थे। तो ये निश्चित ही हमारे लिए, भगवान हमारे आराध्य राम कैद में थे और हम उनकी जो स्थिति को देख करके मन में ये भाव आया कि निश्चित ही हिंदुओं को अब संगठित होना चाहिए और इस तुष्टीकरण का जवाब जिस भाषा में केंद्र सरकार समझे, जिस प्रकार में भाषा में शासन प्रशासन समझे, जिस भाषा में वहाँ के कट्टरपंथी मुसलमान समझे, उसी भाषा में उनको जवाब देना पड़ेगा। और उसकी परिणति 6 दिसंबर 1992 हुई। साहबानों प्रकरण 1985-86 के आसपास का है जहाँ तक मुझे अंदाज पड़ता है। मन तब से ही उद्दिलित था, उसके विरोध में धीरे धीरे जन जागरण कार्यक्रम चले और जन जागरण का कार्यक्रम विश्व हिंदू के परिषद के बैनर तले होने लगा, जिसके मार्गदर्शक मंडल के रूप में पूज्य संत समाज पूरा था, लेकिन वास्तविक रूप से तो संघ के कार्यकर्ता ही उस कार्यक्रम को चला रहे थे। और संघ सब कुछ करता है लेकिन संघ कुछ नहीं करता है, एक कहावत संघ के बारे में ही है। तो हम रामनगर कॉलोनी शाहजहानाबाद में I-15 मेरा क्वार्टर नंबर था, मुझे अच्छी तरह से याद है, वहाँ पर हम रहते थे। वहाँ पर हमारे संघ के लोग स्थानीय लोगों के साथ में राम नाम संकीर्तन की यात्रा निकालते थे, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था तो यात्राओं पर मुस्लिम बहुल्य बस्तियों से पत्थर फेंके जाते थे,
यहाँ तक कि एक आध बार ये भी शिकायत मिली कि उन्होंने अंडों के छिलकों को भी फेंका, गंदा पानी भी फेंका। तो मुझसे वहां पर जो संघ के हमारे और इस आंदोलन से जुड़े हुए जो बिहारी लाल लोकवाणी जी हमारे संघ के विभाग कारवा संघ के अनेक पदाधिकारी थे, उन्होंने ये कहा कि यार यहाँ पर इस कार्यक्रम से तुम लोग क्यों नहीं जुड़ते। हमने कहा भाई साहब हम क्या करेंगे, भजन आप लोग करिए। उन्होंने कहा भजन करते हो तुम लोग, तुम क्या करना पसंद करते हो। मैंने कहा हम तो बस समाज में हैं और ये दुष्ट आतताई जिसको मार जिस पर अत्याचार करते हैं हम उसका जो है प्रतिकार करके अपने समाज के लिए लड़ते हैं, बस यही हमारा काम है। तो उन्होंने कहा लड़ना ही है तो धर्म के लिए लड़ो। और हमने कहा वो कैसे, तो उन्होंने कहा ये राम नाम संकीर्तन यात्रा तुम्हारे मोहल्ले से निकलती है और इसमें लोग पत्थर फेंक रहे हैं, सड़े हुए अंडे के छिलके फेंक रहे हैं, गंदा पानी फेंक रहे हैं, तो इस यात्रा की सुरक्षा भी तो करना तुम्हारा काम है। हमने कहा बिल्कुल करेंगे। तो कहले सुबह सुबह वो यात्रा निकलती तब तक हम लोग जागते भी नहीं थे। तो कहले ठीक है आपको जागना है और सुबह 5 बजे उठ जाना है। हमने साहब हम कैसे उठेंगे, उनका आपको उठाने भी हम लोग आ जाएंगे। तो संघ के हमारे स्थानीय क्षेत्र के जो पदाधिकारी वो थे वो सब लोग हमारे पास आए, उन्होंने जगाया और हम भी जैसे सब लोग श्री राम जय राम जय राम का धुन गाते थे उनके साथ में चले जा रहे थे। इतने में अचानक एक जगह से दो जगह से तीन जगह से पत्थर आए, लेकिन जैसे संघ का स्वभाव होता है वो शांति से उनने पूरी यात्रा निकाली। फिर जब एक जगह से अंडे के छिलके जब आए तो मैं वहां पर उत्तेजित हुआ, मैंने कहा इनको ठीक करते हैं। तो मुझे वहां के लोगों ने समझाया कि अभी नहीं, अभी यात्रा निकल जान दो, बहुत काम बाकी है। लेकिन मन नहीं माना, यात्रा खत्म होने के बाद मुरमुरे वगैरह का प्रसाद वगैरह का वितरण के बाद मैंने अपने पूरी टीम को बुलाया और जम के उनकी ठुकाई करी। वो सब अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग के जो है गुंडे टाइप के लोग थे। जब उनकी ठुकाई हुई तो बाकी लोग भी आए कि भाई क्यों करते हैं। मैंने कहा तुम्हारे जब तुम लोग यहाँ पर ईद के लिए जाते हो, दुआओं के लिए जाते हैं, तो हिंदू समाज के लोग तुमसे जो है इस तुम्हारे ऊपर कोई इस प्रकार की गंदगी करते हैं क्या, ये ठीक है क्या। उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा यदि आज के बाद इस यात्रा पर कुछ भी हो गया तो इससे भी ज़्यादा और ठुकाई करेंगे हम। इसी प्रकार से बात करी और प्रभु की कृपा है कि उसके बाद वो संकीर्तन यात्रा निकलती रही। लेकिन पत्थर कंकड़ तो छोड़ो, किसी ने तिरछी आंख करके भी उस यात्रा में गई। इस तरीके से मैं पहले बार संपर्क में आया। उसके बाद ईंट जो आप बोलते राम मंदिर के लिए जो ईंट का उसका शिला पूजन जो हुआ, शिला पूजन हुआ, फिर राम नाम जप के जो यज्ञ हुए, मंदिरों पे जो है जगह जगह संकल्प हुए, रक्षा सूत्र बांधे गए, मैं लगभग सारे आंदोलनों में जुड़ता चला गया। और जब मैं 90 की कार सेवा हुई तो बहुत कम आयु का था मैं, मेरा मन में ये था कि मुझे अयोध्या में जाना है और अयोध्या देखना है पहले, उससे पहले मैंने अयोध्या नहीं देखी थी। अयोध्या गए, देखी, दर्शन करे, लेकिन जो मेरे मन में जो गहरा आक्रोश जो आया वो उस दिन आया जब मैंने 30 अक्टूबर को कार सेवकों पर सीधे उनके सीनों पर गोली चलाते हुए देखा। तब से हम ये संकल्प करके आए थे कि राम मंदिर बनेगा तभी हमारा जीवन रहेगा, इस ढांचा इस जब तक यदि ये ढांचा रहेगा तो ये जीवन नहीं रहेगा। और इस प्रकार से हम लोग जो है कई तरह के नारे लगाते थे, कई तरह की बातचीत करते थे, संकल्प करते थे और उस संकल्प को दोहराते थे। आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो दृश्य देखते हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि परमहंस जी ने मुझे 2 नवंबर को जो कार सेवकों पर जो गोली कांड हुआ था मुझे अपने उससे निकलने नहीं दिया। संत जी स्वयं अपने पास बिठा करके हम कुछ लोगों को जो उनके मनीराम की छावनी में प्रसाद देते थे, और 5 तारीख को जब उनने हमको विदा करा तो मन में बहुत आक्रोश था कि कुछ भी करके नहीं आए, उल्टा अपने कार सेवकों के जो है खून रक्त के जो है धाराएं हमने देखी हैं निर्दोष कार सेवकों की। तो
परमहंस जी ने उस समय भी कहा था कि जब राम जी की इच्छा होगी, जब हनुमान जी की इच्छा होगी, तो अधिक संगठित होकर के अधिक सामर्थ्य के साथ में जो है फिर आगे कभी कार सेवा होगी तो उस समय आना और अपने संकल्प को दोहराना। अभी तो खड़े हो गए तो जेल में जाओगे या गोली से मारे जाओगे। और इसलिए जो है हम लोग वहाँ से आए और वही सब चीज़ें देख करके जो 6 दिसंबर को मन में था, राम जी का आदेश था, हनुमान जी की कृपा थी, हनुमान जी की ने बोला प्रेरणा दी और उठ विवाद ढांचा जो है ढहा दिया गया। महाराज गिरी जी करके नारियल खेड़े में एक संत हैं, 106 वर्ष की आयु में अभी उन्होंने देह गमन किया है। मैं निरंतर उनके संपर्क में था और जो 30 अक्टूबर की जो कार सेवा थी उस समय जाना, वहाँ पहुँचना, ये अपने आप में बड़ा कष्ट का काम था क्योंकि लगभग उत्तर प्रदेश की सीमा झांसी से आधा किलोमीटर दूर ही जो है मुलायम सिंह जी की तुष्टिकरण के नीति कारण मुसलमानों को खुश करने के कारण अवरोध खड़े कर दिए गए। आगे तो हमने सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे और बैरिकेड्स और सब पुलिस पैकेट सब देखे, लेकिन बाबा जी ने जैसे बोला कि तुम्हें अयोध्या जाना है तो मेरा शागिर्द बनना पड़ेगा और मैं उन बाबा जी के शिष्य बन करके गया। कई जगह पूछताछ हुई, एक जगह तो हमें पकड़ लिया गया, कहा ये तुम तो बाबा हो पर ये बाबा लगता, ये चेला लगता है। उन्होंने कहा ये अभी अभी चेला बना है, उत्तराखंड से आया है, अभी अयोध्या के दर्शन करेगा, वहाँ से दीक्षा के बाद इसको पूर्ण संन्यास का जो है वो होगा। वहाँ से बच के गए तो फिर जगह जगह हम देखते थे, कहीं कहीं स्कूलों में हम लोगों को भोजन मिलता था, कहीं गांव ग्राम प्रधान हमको देते थे, कई बार जो है खाना नहीं भी मिलता था। लेकिन उस समय हमारे पास अयोध्या में पैदल चलने के सिवा और कोई मार्ग नहीं था कि हम पहुंच सकें, लेकिन बाबा चूंकि संत थे तो संत को उन्होंने कहा कि कई बार पूछा कि तुम ऐसा तो नहीं कार सेवक हो, बाबा कहते थे मैं साधु आदमी हूँ, तो ये कौन जा रहा है तुम्हारे साथ, ये मेरा शिष्य है भाई, शिष्य तो रखें चेला है, मैं चेला बोलते थे, वही मेरा चेला है। तो हम लोग उस समय भी जो है हनुमानगढ़ी पहले हम लोगों ने जाकर के दर्शन करे, फिर हमको वहीं पे जो स्थानीय जो व्यवस्था थी उसके अनुसार बता दिया कि आप वहाँ जाइए। कारसेवकपुरम के पास में एक बहुत बड़ा डोम था, उसमें लगभग 300-400 लोग हम लोग थे, वहाँ राम खिचड़ी खाते थे और आराम से ये सोचते थे। उस समय तक तो हमको नहीं मालूम था कि मुलायम सिंह इतनी बर्बरता से हम पर गोली चला दे। सरयू पर स्नान करते थे, राम जी के दर्शन करते थे, लेकिन मुलायम सिंह ने मुसलमानों को खुश करने के लिए जिस प्रकार से कार सेवकों का रक्तपात किया, उनको बंदूकों से उनके शासनकाल में भून दिया गया, आज भी आंखों में आंसू आते हैं उन सबको देखकर। धन्य है वो लोग, राम के नाम पर राम के काम आ गए। और मैं तो अपने आप को अभागा मानता हूँ कि मैं वहाँ से भी बच के आ गया, पर शायद हनुमान जी महाराज को कुछ और ही मेरे कहीं और मुझे जो है गिलहरी के जैसे मेरे का एक योगदान रेत की एक बूंद के समान इस आंदोलन में करना था, इसलिए मैं आज आपसे चर्चा। अब 6 दिसंबर 92 की आप यदि बात करेंगे तो 6 दिसंबर 92 को भी आपको मालूम होगा कि सब आंदोलन चरम पे था, कल्याण सिंह जी की सरकार थी, हम ये मान जानते थे कि वहाँ हमारी सरकार है, तो उत्साह से लोग गए। लेकिन इतना ज़्यादा संख्या में लोग जाने लगे कि ना तो ट्रेन मिल रही थी, ना बस मिल रहे थे, ना कुछ मिल रहे थे। तो 25 तारीख को हमने तैयारी करी, फिर कहा कि नहीं रुक जाओ, 27 तारीख को जो है हम लोग झांसी पहुँचे। झांसी तक तो हमको आराम से सब चीज़ मिल गया, लेकिन झांसी से फिर ये रूट चेंज करना था, फिर लखनऊ आना था। तो रात भर वहाँ पर प्लेटफार्म पर हम लोग सोए, खाना पीने का भी जो है बाबा जी ने कुछ लड्डू फड्डू जो है ऐसे कुछ बनाए थे, बाटी माटी लिए थे, वो हमने खाई। और उसके बाद जब लखनऊ तक जो हमको जो ट्रेन मिली तो आप विश्वास करोगे, रिजर्वेशन तो क्या सब व्यवस्थाएँ भंग थी,
बड़ी मुश्किल से गेट पे लट, पहले बाबा जी को अंदर गए, फिर उन्हें मेरा हाथ पकड़ के खींचा, गेट पे ही हम लटक करके थोड़ा सा किसी तरह बैठ करके जय श्री राम करके, तुम्हें भी अयोध्या जाना है, हमें भी अयोध्या जाना है, जय श्री राम करके, ऐसे कार से घूमे, प्रेम भी था तो थोड़ा थोड़ा बैठ करके किसी तरह से हम लखनऊ तक ले गए। लेकिन लखनऊ के बाद की स्थिति बहुत भयानक थी। लखनऊ स्टेशन पर पूरी तरीके से चारों तरफ कार सेवक थे। हम लोग श्री राम जय राम जय जय राम का जाप कर रहे थे, गुप्त जत्थे में थे, तो एक महिला जो समाजवादी पार्टी के अपने आप को नेता बोल रही थी, उसने कहा बंद करो ये बकवास, क्या कर रहे हो, मुझे स्मरण आ गया आज ये बात, कुछ करते नहीं हो और जबरन का जो है क्या लगा रखा है सब। हमने कहा सुनो, इस बार जो कार सेवक यहां से जा रहे हैं वो इस ढांचे को ढहा के रहेंगे। उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं करते। मैंने कहा मेरा नाम नंबर तुम सब नोट कर लो, 6 दिसंबर 92 के बाद 7 तारीख को या तो अखबार में ढांचा नहीं रहेगा, वरना उस ढांचे को तोड़ते जो शहीद हैं उसमें जो है मेरा फोटो तुमको दिखेगा। और ऐसे ये सारे कार सेवक संकल्प करके जा रहे हैं, अकेला मेरा संकल्प नहीं था, ये सारे कार सेवकों का संकल्प। अरे कहो जा जाओ, तुम्हें बहुत देखते हैं। ये भी एक प्रसंग आया, मैंने उसने नंबर भी लिखा मेरा। और देवयोग देखिए आप कि जब हमको वहां से ट्रेन मिली, एक ट्रेन लोकल ट्रेन जाती थी लखनऊ से अयोध्या, लगभग 2.5-3 घंटे का रास्ता था उसका, पूरी फुल, कोई रास्ता नहीं। बाबा जी ने कहा चलना है तो आप ट्रेन के छत पर चढ़ जाओ। आप कल्पना करिए, ट्रेन की छत पर बैठ करके सारे लोग जा रहे थे। अब चूंकि पहले से कुछ लोग थे, कुछ बिहार के लोग थे, बिहार के लोग थोड़ा सा उत्साही ज्यादा थे कुछ, तो वो पहले से छत पे बैठे। उन्होंने कहा आ जाओ कुछ नहीं होता, इतने कह रहे करंट लगता है ये लगता है, तो उन्होंने कहा जैसे हम करें वैसे करते रहे। तो मैं भी छत पर बैठा, बाबा चूंकि थोड़े वृद्ध, वैसे उतने वृद्ध नहीं थे पर बाबा नीचे किसी तरह उनको साधु संत थे, उनको जगह मिल गई। आप यकीन मानिए एक कार सेवक गुप्त जत्थे में हमारे साथ आया था, लखनऊ की व्यवस्था उसने देखी, वो लखनऊ से वापस आ गए। ऐसा भी जब हम ट्रेन पर बैठे तो मुझे अच्छी तरह से याद है, आधा किलोमीटर पे क्रॉस तार आते थे, तो आगे का कार सेवक जो थे वो जो पीछे से आ रहे थे उनको अभ्यास रहता, वो सब झुक करके एकदम से लेट जाते थे, हम भी ऐसे लेट जाते थे और जैसे ही वो तार निकलते थे हम लोग फिर खड़े हो जाते थे। ऐसे कर करके हम लोग जो है अयोध्या पहुंचे, परंतु अयोध्या में हम चूंकि गुप्त जत्थे में थे, साधु संत साथ में थे, तो मुझे फिर सौभाग्य से मैंने कहा हनुमानगढ़ी के आसपास की जगह मिल जाए तो वहाँ से बड़ा आनंद आता है, दर्शन पास में होते हैं। तो हनुमानगढ़ी के पीछे फिर हमको जो है उस समय तक ऐसे छोटे छोटे कमरे बने थे, वहाँ पर जो है हमको जगह मिल गई। तो लगभग 29 तारीख के आसपास हम लोग अयोध्या पहुँच गए थे। हम लोगों का नित्य क्रम ये रहता था, हम सुबह जल्दी उठते थे, सीधे सरयू जाकर के स्नान करते थे, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने के बाद राम जी के दर्शन करते थे। इस प्रकार से रोज संकल्प लेते थे कि हे हनुमान जी बस इतनी शक्ति और इतना जीवन देना कि 6 दिसंबर 92 को या तो ढांचा रहेगा या हम रहे, दोनों में से बस ये हमारा संकल्प है, इस संकल्प को पूरा करना। घर वालों की भी याद आती थी, ऐसा लगता था कि जीवन तो अब मुश्किल है आगे चलना, माँ बापों ने भी पाला पोसा है, समाज की भी अपनी वो है, लेकिन ऐसा लगता था कि राम के नाम पर जहाँ 2 लाख लोग चले गए हम भी आ गए, काम तो कोई इससे बड़ा सौभाग्य का कोई विषय नहीं, ऐसी संकल्प था। 4 तारीख को आप वहाँ की रिकॉर्डिंग देखिएगा, एक जमुना कोई मीडिया वाला था, उसने हमने एक रैली निकाली वहाँ पर, सारे लोगों ने गैती फावड़े तगाल ये सब लेकर के हमने उस पर सुप्रीम कोर्ट लिखा और सब श्री राम जय राम जय राम के जाप करके, हम भोपाल के जो जत्थों के लोग थे वो हमने कहा यही सुप्रीम कोर्ट है, महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु यहाँ से लोग अपनी अपनी भाषा में कोई कुछ कहता था कोई कुछ कहता था, लेकिन सबका संकल्प रहता था कि 6 दिसंबर 92 को अभी नहीं तो कभी नहीं, यह सबका संकल्प था। न किसी को मरने की चिंता थी, ना किसी भी बात के किसी को परवाह थी, सबका एक ही लक्ष्य था। 5 दिसंबर को जब मुझे लगा कि अब निर्णय की बारी आ गई है, तो सुबह स्नान करने के बाद हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद राम जी के दर्शन करे, फिर शाम को भी वही क्रम चला। हम लोग सरयू के नदी के बीच में कबड्डी भी खेला करते थे,
और कबड्डी खेलने के बाद फिर रात को जब लगा कि अब कल तो शाम को जैसी खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने को निर्णय को बढ़ा दिया, पता नहीं 7 तारीख या 11 तारीख को कर दिया है, और हम सबको बुला करके सारे कार से समझा दिया गया कि आप लोगों को दो दो मुट्ठी मुट्ठी भर रेत लाना है और सीता चबूतरे पर डाल करके कार सेवा करना है। युवा आक्रोशित हो गया, युवा तो कुछ और सोच के आया था, सब ने ये तय करा कि हम ऐसी कार सेवा नहीं करेंगे, कल कार सेवा ऐतिहासिक होगी और जैसी होगी उससे हिंदू समाज का गौरव बढ़ेगा और पूरी दुनिया में हिंदू समाज को जाना जाएगा। सब लोगों का ये संकल्प था। उसी समय मैंने एक वहां पर ऑल इंडिया मुशायरा चल रहा था, वहां पर मैंने रसीद कटवाई। 5 तारीख की डेट में ही मैंने श्रीराम जन्मभूमि के जो वहां पर एक रसीद लगती थी दान वाली, बिल्कुल ऐसी मूर्ति के सामने होती थी इधर बैठे, वहां मैंने जो है 5 रुपए की रसीद कटाई, उससे ज्यादा जेब में कुछ था भी नहीं। दोनों की रसीदें इसलिए कटा दी कि कल मर भी गए तो कम से कम यहाँ रिकॉर्ड में ये आ जाएगा कल मर कि हाँ हम लोग अयोध्या के काम ही आए, किसी दूसरे जगह नहीं है। ये एक सोच थी मन में और संकल्प भी था। और 6 दिसंबर को फिर जैसी रात भर हम लोग सोए नहीं, सब अयोध्या में कोहराम मचा हुआ था। 3 तारीख से इतनी संख्या हो गई थी कि कार सेवकों को बाहर से अंदर आने के लिए मना कर दिया गया था, लगभग 6-7 लाख कार सेवक थे, सबका एक ही भाव था। और जब एक भाव होता है तो हनुमान जी महाराज एक राह भी देते हैं फिर, और वही राह हुई 9:30 बजे के आसपास 6 दिसंबर को। हम लोगों ने कोशिश करी एक बार की चढ़ जाएं, लेकिन अशोक सिंघल जी ने आकर के हम लोगों को समझाया बुझाया। एक दो पंजाब के हमारे बंधु थे, बड़े नाराज भी हुए, उन्होंने कुछ कठोर बातें भी कही, लेकिन हम लोगों ने कहा अशोक सिंघल जी का जो तप है हम सबको चलना पड़ेगा अभी नीचे, और उतरे हम लोग नीचे। लेकिन 11:30 बजे जब जय जय श्री राम के नारों के साथ में वह पूरा कार सेवकों ने जब नारे लगाने शुरू करे, वहां पर जो मंच था मंच से भाषण हो रहे थे, लालकृष्ण आडवाणी जी भी आ गए थे, मुरली मनोहर जोशी जी भी आ गए थे, अपने साध्वी रितंबरा जी वहां पर थी, उमा भारती जी वहां पर थी, विनय कटियार जी वहां पर थे, तमाम हिंदू लीडर वहां पर थे, महंत अवैधनाथ वहां पर थे, ये सारे संत जो है शांति की तो बात कर रहे थे, लेकिन सबके दिल दिमाग में एक ही बात थी कि जय श्री राम हो जाए तो हो जाए। और अंततः 11:30 बजे कार सेवकों ने तय करा कि अब वो घड़ी आ गई है जब या तो हम रहेंगे या ढांचा रहेगा। और हम लोगों ने पहले संघ के कार्यकर्ता ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हुए थे, उन्होंने रोकने की कोशिश करी, उनको उनसे किसी तरीके से संघर्ष करते हुए हम लोग आगे घुसे, पीछे उनने लाठियां लगाना शुरू करी, लाठियों को तोड़ छीन हटाते हुए जो है हम लोग अंदर घुसे। फिर तीसरे जत्थे ने भी जो है समझाया बुझाया कि ऐसा मत करो, लेकिन कौन सुनने वाला था, वहां तो सब हनुमान के रूप में सबके सबका प्रकटीकरण हो गया। सबसे पहले का रास्ता दीवाल था, दीवाल के ऊपर सब चढ़े, दीवाल पर चढ़ते चढ़ते लगभग यहाँ से लेकर के जो है 20-25 फुट की दीवाल थी वो, उससे जो है हम लोग वहाँ उसके पास में जो है बाईं तरफ जो एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर चढ़ करके पहले ढांचे पर, और पहला ढांचे में जाकर के सबसे पहले तो जय श्री राम के नारे लगाए। एक भगवा ध्वज भी वहां पर आ गया, भगवा ध्वज सब लहरा रहे थे। मैंने कहा भाई मध्य प्रदेश का मैं हूँ, मध्य प्रदेश के मैं भी बहराता हूँ, और मैंने भी फहरा है वो, उसका जो है इंडिया टुडे वगैरह में कई जगह चित्र भी आया हमारा। उसके बाद फिर कार सेवा शुरू हुई, भगवान राम के चमत्कार से और हनुमान जी महाराज की कृपा से गेंती फावड़े सब आ गए। एक ढांचा का गुंबद जब तोड़ना शुरू करा तो हम जब उस गुंबद को तोड़ते थे तो गेंती भी ऊपर उछलते थे, फावड़े भी चलते नहीं थे, लेकिन कार सेवकों के संकल्प ने पहला ढांचा ढहाया। हम लोग दूसरे ढांचे पे चढ़ गए, नीचे से भी कुछ लोग तोड़ रहे थे और नीचे से भी तोड़ रहे थे, मंच से बार बार अपील आ रही थी कि तुम नीचे आ जाओ नीचे उतर जाओ, लेकिन कार सेवकों ने तय करा था कि नहीं आज तो ये ढांचे के साथ में जिएंगे और ढांचे के साथ में जो राम जी के काम आना होगा तो आ जाएंगे।
दूसरा ढांचा ढहा, और जब तीसरा ढांचा हम लोग दूसरे ढांचे पर, हमको मुझे अच्छी तरह से याद, पानी की बोतल थी पूरे उसमें जो है वो मिट्टी वगैरह जो वो थी वो पुरानी पुरानी मिट्टी उसमें थी, लेकिन हमने गला चूंकि सब सूख रहा था, सारे एक तरह का मन में वो भी था, आक्रोश भी था, जोश भी था, कुछ करने की इच्छा भी थी, तो वो पानी पिया। तीसरे ढांचे पे जब हम चढ़े तो वहां पर गए थी फावड़ा, तो वैसे सब चीजें मिल गई थी, परंतु हमने बिस्कुट भी वहां पर खाए। तो वहां पर कल्पना नहीं करोगे आप, हमने बिस्कुट खाए वहां पर। तीसरे ढांचे पे भी हमने उसी तरह, हम जब जिस ढांचे को ऊपर जाते थे भगवा ध्वज लहराते थे, और तीसरा ढांचा जब ढहाया गया तो उसी ढांचे के साथ में मैं भी गिर गया, और ये सिर पे ये जो चोट है ये उसी की, मैं वहीं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद जो जिन लोगों को चोटें थी सबके सबको जो है वहीं फैजाबाद अस्पताल, पहले वहां पर एक अस्थायी होता कैंप, वहां पर रखा गया, जिनको ट्रीटमेंट कर जो ठीक हो गए उनको घर भेज दिया गया कि भाई अब सब घर जाओ अपने, परंतु जो ज़्यादा बेहोश थे जिनको ज़्यादा चोटें थी उनको वहीं रखा गया। और वहाँ उस समय लोग बताते हैं मेरे जो जब सर पे चोट लगी तो मेरी ये तीनों उंगलियां चारों उंगलियां जो है माथे के अंदर घुस गई थी, माथे का जो सफ़ेद कलर का जो एक मस्तिष्क का वो होता है ब्रेन जिसको बोलते हैं, गुदा जो भी बोलते हैं, वो बाहर निकल गया, खून बह रहा था माथे से, और मैं बेहोश था। लोगों को ऐसा भी नहीं लग रहा था कि ये जीवन रहेगा, लेकिन वहाँ पर जो जो भी बाकी कार सेवक थे, जो भी लोग रहेंगे, उन्होंने मुझे वहाँ से तत्काल बताते हैं उस वहाँ पर ट्रीटमेंट दिया, और उसके बाद सीधा फैजाबाद अस्पताल ले गए। फैजाबाद अस्पताल में मेरे जो है माथे पे टाँके फाँके ये मेरा इलाज हुआ। इलाज होने के बाद खून नहीं रुक रहा था, बड़ी मुश्किल से खून मून का उन्होंने जो है रोका, और मैं बेहोश था, मेरे को इस बात की जानकारी भी नहीं थी, बाद में मुझे लोगों ने बताया सब। 8 तारीख को मुझे जैसी होश आया तो मेरे पास 6-7 डॉक्टर के भेष में जो कुछ लोग आए और एक दो पुलिस वाले थे, तो उन्होंने पूछा कि क्यों, मैंने कहा जय श्री राम, मैंने कहा अच्छे हो, मैंने कहा जय श्री राम। तो तीसरी बात उनने पूछा कि कहां के हो, मैंने कहा भोपाल का, जय श्री राम। कहले ढांचा ढहाया था अच्छे, मैंने कहा हां ढहाया है, तो जल्दी जल्दी कुछ नोट करने लगे, फिर कहा कि तुमको मालूम है तुमने क्या किया, हमने कहा हो गया काम, जय श्री राम। इस प्रकार से हम जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने फिर उनने जो है जो दोहराया कि ये जो अन्य घायल कार सेवक हैं इन्होंने भी ढहाया, मैंने कहा हाँ ये घायल कार घायल ही इसलिए हुए हैं कि जो ढांचा ढहाते हुए साथ में थे हमारे। तो कुल मिलाकर के जो हमको जानकारी है 26 कार सेवक घायल हुए थे, उसमें से कुछ की तबीयत थोड़ा बहुत ठीक थी उसमें थे, तो उनको बता दिया गया था कि भाई इसमें अब जो हो गया सो हो गया, इसको स्वीकार नहीं करना है, लोगों ने समझाया होगा सलाह दी होगी, लेकिन हम तो चूंकि होश में आए थे और हम तो राम के नाम पर मदहोश भी थे, तो जब मुझे ये उनको ये पता चल गया कि इसने स्वीकार कर लिया, तो फिर मुझे उनने एक दबाव डाला कि एक क्वेश्चन पूछा उनने बड़ा कूटनीतिक, उनका तुमने ये ढांचा ढहाया है बहुत बढ़िया काम करा है, लेकिन तुमने जो है वो अशोक सिंघल जी के कहने पर ढहाया है, लालकृष्ण आडवाणी जी के कहने पर ढहाया है, उमा भारती के कहने पर ढहाया है, साध्वी अपना रितंबरा जी के कहने पर ढहाया है, उनके भाषणों उसके कारण ढहाया है, उन्होंने भाषणों में तुमको उकसाया है। हमने कहा ना तो उनके कारण पर ढहाया है ना उन्होंने हमको उकसाया है, वो तो हमको ये कहते थे कि रुक जाओ तुम सब ढांचे से नीचे उतर जाओ, लेकिन ये ढांचा हनुमान जी महाराज के आदेश पर भगवान राम के काम करने के लिए समस्त लाखों लाख कार सेवकों ने ढाया, और ये सब अपने संकल्प लेकर के आए थे जैसा मैं आया हूं कि या तो 6 दिसंबर को ये ढांचा रहेगा जिसको आप बाबरी ढांचा कहते हैं, और या तो हम जिंदा रहेंगे जो ये संकल्प करके आए थे उन्होंने ये ढांचा ढहाया। इस प्रकार की बातचीत होती थी, उसके बाद उन्होंने जो है उसको लिख लिया,
और लिखने के बाद 8 तारीख को फैजाबाद पुलिस से जो है सीआईडी ने वो पूरी जांच अपने हाथ में ले ली। जांच लेने के बाद हमको गिरफ्तार कर दिया गया। गिरफ्तार करने के बाद लगभग 5 बार मेरा जो है रिमांड लिया गया। 5 बार रिमांड में मुझसे यही कहा जाता कि ये ढांचा तुमने ढाया है, या तो इसको अस्वीकार करो और नहीं तो आप ये बताओ कि इन लोगों के जो माता टीला पे मंच पे जो नेता थे इनके कहने पर आपने कहा। मैंने कहा ढांचा ढाया है ये मुझे स्वीकार है, लेकिन इनके कहने पर हमने ढांचा ढाया है ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा फांसी की सजा होगी, तुम्हें नहीं मालूम कितना बड़ा अपराध तुमने करा, पूरे देश में दंगे हो रहे हैं और तुम्हें फांसी की सजा होगी, तुम कभी भी जिंदगी भर यहां से नहीं निकल सकते, ऐसी धाराएं लगा दी गई हैं। और अब तो सीआईडी से जो है सीबीआई के पास एक मामला आ गया है। तो मैंने उस समय एक जवाब दिया, मैंने डायरी भी में भी कहीं उसको मेंशन करा है कि राम मंदिर का निर्माण झूठ पर नहीं हो सकता और इस राम के नाम पर मुझे फांसी की सजा भी हो जाती है तो भी मुझे स्वीकार है, पर मैं ये कभी स्वीकार नहीं करूंगा कि ढांचा मैंने नहीं ढाया है। और तब तक ऐसे लगता भी नहीं था कि इतना शुभ घड़ी इतना शुभ दिन हम जीते जी इन्हीं आंखों से ये 22 तारीख को आने वाले 22 जनवरी को देख पाएंगे। हम तो बस 6 दिसंबर 92 के बाद जो भी हमें प्रताड़ना जो भी जो है वो सारी चीज़ें हुई वो सब हुआ। वहाँ पर हमें हमारा हौसला बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे लोग आए, माननीय अशोक सिंघल जी खुद आए, उन्होंने हमें पत्र लिखा अपने हाथ से, माननीय कल्याण सिंह जी आए, माननीय बलराज मधोक जी ने स्वयं मेरे सिर पर हाथ फेरा और अपना नाम पता पूरा लिखा उन्होंने, जनसंघ के जो अध्यक्ष थे, अनेक डॉक्टर अनेक संत पूज्य अवैधनाथ जी महाराज महंत नृपल हरिदास जी ये सारे के सारे संत ये सब आते थे। और एक घटना और मुझे रोमांचित करती है कि 8 तारीख को मेरे को जब थोड़ा आधे बेहोशी की हालत में मैं था और लोग कहते थे कि मैं ये बड़बड़ा रहा था कि लगा दिया काम जय श्री राम, इस प्रकार से मैं बड़बड़ाता था, तो किसी ने मेरे यहाँ पर जो है लाठियाँ माठियाँ मारी, खून निकल रहा था। और जब मुझे होश आया तो उसके बाद एक संत बड़े बहुत बड़े बड़े बाल उनके थे, उनके उनने मुझे देखा मेरे पैर पर खून बह रहा था, उनके आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने वो खून को अपने हाथ से पोंछा ऐसे माथे पे लगाया और चूमा, मेरे माथे को चूम करके वो रोने लगे कि बेटा तुम लोगों ने जो है हमारे जो है जो साधु का संकल्प है साधुत्व का संकल्प है उसको पूरा कर दिया है, धन्य है तुम और धन्य है तुम्हारे माँ बाप। तब जा करके मुझे लगा कि यार वाकई कुछ ऐसा हो गया है क्या, भरोसा नहीं होता था। उसके बाद 9 तारीख को मेरे घर पर जो है एक किसी कोई साउथ इंडियन थे, उन्होंने जब मैंने कहा मेरे घर वालों को सूचना दे दो कि मैं जिंदा हूँ, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी मेरे घर पे मिली है, पोस्ट ऑफिस की सील है उसमें। और उसके बाद 14 तारीख को या 13 तारीख को फिर मैंने लेटर लिखा, लेकिन इतना दिमाग था नहीं तो 13 तारीख की जगह 7 तारीख डाल, लेकिन उसमें डाकघर में 15 तारीख की जो है सील लगी हुई है। और हम जब चिट्ठी लिखते थे तो पुलिस वाले सीबीआई वाले वो सब हमारी चिट्ठियों को पढ़ते थे। रामलला के दर्शन की अनुमति नहीं दी तो हमने भूख हड़ताल कर दी, वो भी भूख हड़ताल कर दी कि जब रात तक रामलला के आप दर्शन नहीं करोगे हम खाना नहीं खाएंगे, दवाई नहीं खाई हमने। और दूसरे तीसरे दिन बाहर भी आंदोलन हो रहे थे सबकी, राम भक्तों के उससे जो है रामलला के दर्शन की भी अनुमति, आपको मालूम होगा उस समय दर्शन की अनुमति भी नहीं दी थी उनने। फिर वो अस्थाई राम मंदिर भी बना, धीरे धीरे राम जी आज 500 साल के बाद भव्य दिव्य अपने जो है मंदिर में विराजमान है। ये समस्त हिंदू समाज के लिए गौरव का दिन है और हम लोगों ने तो हमारा तो उसमें योगदान कुछ नहीं है। तो एक गिलहरी ने जिस तरह से एक अपने राम सेतु बनाने के लिए एक रेत डाल करके उसमें अपना काम किया, शायद उतना भी योगदान हम हमारा अपना नहीं मानते, ये तो प्रभु राम का काम था, हनुमान जी की कृपा थी। पूरे भारतवर्ष में जो घायल थे उनको उनमें से किसी ने स्वीकार नहीं किया और बाहर तो सवाल ही नहीं होता था,
8 दिसंबर को पहला घायल कार सेवक हूं मैं, आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, और ये ऑन रिकॉर्ड पे भी है वहां के हाई कोर्ट में, जब उन्होंने अपील करी कि मैं ही वो पहला व्यक्ति हूं भारतवर्ष का जिसने 8 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया था कि मैंने वो विवादित ढांचा ढहा है। ये प्रभु की कृपा थी और मेरा चूंकि संकल्प था इसलिए मैंने उसको स्वीकार भी किया है।